हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही आपको रिक्रूटमेंट से संबंधित लिंक मिल जाएगी। जैसा कि आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आउट की गई हैं। यहाँ पर है पोस्ट ऑपरेटर केमिकल में ट्रेनिंग के लिए, टेक्निकल टेक्नीशियन में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग एक्सरे टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में। तो यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है, एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ से डिटेल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड एक्सरे के लिए यहाँ से डिटेल्स को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेक्निकल क्रेमी केमिकल ट्रेनिंग का मैंने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या डिटेल्स दी गई हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की डिटेल्स आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। देख लेते हैं क्या डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। 011-22-02 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। परमानेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग के लिए है, जिसमें आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग चलेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन ग्रेड सेकेंड A6 लेवल पर हो जाएगा। टोटल 181 वैकेंसी हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 80, SC के लिए 18, NST के लिए 17, OBC NCL में 48, EWS के लिए 18 एंड PWD के लिए 11 वैकेंसी यहां पर दी गई हैं, जिसमें से सभी कैटेगरी से मिलाकर के 76 वैकेंसी बैकलॉग से यहां पर फिल की जाएंगी। एंड एक एज रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पर 1 दिसंबर 2022 तक काउंट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर BSc केमिस्ट्री में मांगा गया है, साथ ही BSc लेवल में फिजिक्स आपका 3 साल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड मिनिमम परसेंटेज कम से कम यहाँ पर 55% मांगा गया है। SC ST है तो आपको 50% यहाँ पर आप कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम अनरिजर्व EWS कैंडिडेट के लिए 29 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 34 ईयर है, OBC के लिए 32 ईयर एज दी गई है, एंड PWD कैटेगरी जनरल में 39 ईयर है। SC ST में 44 ईयर है, OBC में 42 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट सेम यहाँ पर दी गई है, एंड साथ ही यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल, चलोर अकाली, ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर हैविंग कंटिन्यूस, यहाँ पर ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। और डिटेल्स देख लेते हैं क्या दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 700 मांगी गई है, जिसमें आपका GST भी अप्लीकेबल होगा, जो कि जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, AWS कैंडिडेट के लिए, SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट के लिए किसी भी तरह की फीस आपको सबमिट नहीं करनी है। एंड सैलरी अदर बेनिफिट्स, यहां पर 1 ईयर की ट्रेनिंग के दौरान आपको 9000 की सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन A6 ग्रेड ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड पे हो जाएगा, जो कि 22000 से लेकर 60000 पर मंथ आपकी यहां पर सैलरी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर ऑनलाइन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के बेस पर ही सिलेक्शन होगा। एंड ऑनलाइन टेस्ट इसका मुंबई एंड नागपुर में कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि मराठी राजभाषा हिंदी एंड इंग्लिश में यहाँ पर आपका पेपर आएगा।
बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट में टू पेपर होंगे, टू पार्ट्स होंगे, जिसमें आपके 90 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा। 50 क्वेश्चंस आपके करिकुलम क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा से पूछे जाएंगे, जबकि 50 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पर ट्रैक टेस्ट लिया जाएगा। वन वैकेंसी के बिहाफ में टू कैंडिडेट को ट्रैक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। फाइनल सिलेक्शन आपके ऑनलाइन टेस्ट पे ही बनेगा एंड किसी भी तरह का इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। लास्ट डेट देख लेते हैं क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने की। जनवरी 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ही दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन कैंडिडेट फॉर ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी एंड टेक्नीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनी एक्सेल टेक्नीशियन, सभी से आपको यहाँ से फॉर्म फिल करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से क्लिक हियर पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, डिटेल्स को फिलअप करने के बाद प्रीव्यू देखना है, फिर अपलोड करना है। उसके बाद पेमेंट करके आप 16 जनवरी तक सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।